इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमीर लोगों की वो कौन सी सीक्रेट्स है जिसे एक मिडिल क्लास के फैमिली के लोग नहीं कर पाते हैं। अमीर लोगों की सोच की तरह हम सोच ही नहीं पाते हैं। अगर उनके विचारों को समझ लिया जाए तो आप भी उनके जैसा आसानी से बन सकते हैं। आइए जानते हैं कि बॉब प्रॉक्टर अमीर लोगों के बारे में क्या बताया है, और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अमीर लोगों की वो कौन सी आदतें हैं जिससे कि वे लगातार अमीर बनते जा रहे हैं, जिसकी मदद से उन्हें फाइनेंशियल सक्सेस मिलती जा रही है, उनके वेल्थ मजबूत हो रहे हैं। पूरी समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बॉब प्रॉक्टर, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और प्रोस्पेरिटी कोच है, वे अक्सर अमीर आदमी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और प्रिंसिपल्स बताते हैं। अगर उनकी टीचिंग्स को समझा जाए तो मनुष्य अपनी ह्यूमन पोटेंशियल, सक्सेस और अबंडेंस की ओर जा सकते हैं। आइए इसे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझते हैं। बॉब प्रॉक्टर बताते हैं कि अमीर आदमी के माइंड में उनके विचार कुछ इस तरह से होते हैं। नंबर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बॉब प्रॉक्टर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि हम जो भी सोचते हैं और फील करते हैं वो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। यदि हम अपने विचारों को पॉजिटिव और अबंडेंस ओरिएंटेड बनाए रखते हैं तो हम अपने आसपास को भी अमीरवादी और सफल बनाने में सहायता कर सकते हैं। यानी कि आप तो अमीर बनेंगे ही, साथ ही साथ आपके आसपास आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं वो भी अमीर बन सकते हैं। नंबर 2, थॉट्स बिकम थिंग्स। बॉब प्रॉक्टर का मानना है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन के ब्लूप्रिंट्स होते हैं। यानी हम जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारे एक्शंस को प्रभावित करता है और इन एक्शंस से हमारे रिजल्ट्स निकलते हैं। मान लो आपने कुछ गोल्स के बारे में सोचा कि आप कुछ पैसों को एक साल में कमा लेंगे, तो उन पैसों को लेकर आपके दिमाग में जो विचार आए उनसे आपने एक इंस्पायर्ड एक्शंस लिया, और वही एक्शंस की मदद से एक वर्ष के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर हम अपने विचारों को सुधार कर अमीरवादी सोच की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में सक्सेस और प्रोस्पेरिटी आसानी से प्राप्त हो सकती है। नंबर 3, पैराडाइम्स। पैराडाइम्स का मतलब होता है मेंटल प्रोग्रामिंग। पैराडाइम्स को लेकर बॉब प्रॉक्टर बहुत ही अहमियत देते हैं। उनका मानना है कि हमारे दिमाग में स्टोर की गई बिलीव्स और थॉट्स जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद होती है, यानी जो हमारे अवचेतन मन में स्थिर होती है, वही हमारे जीवन के रिजल्ट्स को प्रभावित करती है। अगर हम अपने पैराडाइम्स को बदलते हैं और पॉजिटिव और सक्सेस ओरिएंटेड बिलीव्स को एडॉप्ट करते हैं तो हमारे जीवन में एक नया लेवल ऑफ अबंडेंस और सक्सेस प्राप्त हो सकता है। नंबर 4, गोल सेटिंग। देखिए, अगर किसी भी गोल को पाना चाहते हैं, चाहे वो आपके मनचाही गोल हो या आपके पेरेंट्स की मनचाही गोल हो, उसके लिए आपको सबसे पहले गोल सेटिंग्स करने होंगे। बॉब प्रॉक्टर का कहना है कि एक अमीर आदमी हमेशा अपने लिए क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स सेट करते हैं और फिर उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स और डिटर्मिनेशन के साथ काम करता है। बॉब प्रॉक्टर अपने इंटरव्यू में हमेशा जोर दिए हैं कि गोल्स को विजुलाइज करना और उन पर कॉन्सेंट्रेटेड फोकस करना उन्हें पूरा करने के लिए एक मूलभूत तथा पावरफुल टूल्स है। मतलब आपको अपने लाइफ में चाहे आपका जो भी गोल्स हो उसके प्रति विजुलाइज कंटिन्यूअसली करते रहना है। ऐसा नहीं हो कि आप 2 दिन विजुलाइज किए, तीसरा दिन आपने छोड़ दिया। आपको एक कंसिस्टेंट रूप से अपने गोल्स के प्रति विजुलाइजेशन की टेक्निक को अपनाना है। नंबर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन हर एक मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक व्यक्ति अपने गोल्स को सोचकर सक्सेस की तरफ आगे बढ़ता है और अगर उसके पास कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो अगर सक्सेस पाथ में वो फेल होते हैं तो फिर वो संभल नहीं पाएंगे। और ये बात तो तय है कि हर एक व्यक्ति जब एक सक्सेस की ओर बढ़ता है तो उसे फेलियर्स का सामना करना पड़ता है और उसी वक्त उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन काम करती है। बॉब प्रॉक्टर का मानना है कि एक अमीरवादी व्यक्ति अपने पैसों को मैनेज करने, इन्वेस्ट करने और ग्रो करने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का ज्ञान रखते हैं। इसके लिए आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन की इंटरव्यूज को भी देख सकते हैं। इससे आपका फाइनेंशियल एजुकेशन बैकग्राउंड मजबूत होगा। आइए कुछ 7 पॉइंट्स को समझते हैं जो कि अमीर आदमी के मनी हैबिट्स है।
अमीर आदमी यानी कि वेल्दी इंडिविजुअल्स के मनी हैबिट्स यूजुअली उनके फाइनेंशियल सक्सेस और वेल्थ एक्युमुलेशन के कारण एक मूलभूत तथा कंसिस्टेंट तरीके से चलाते हैं। ये कुछ बातें हैं जो कि ज्यादातर अमीर आदमियों में देखे जाते हैं। अगर इन आदतों को आपने भी अपने जीवन में अपना लिया तो आपको भी अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बस इसे ठीक से समझकर अपने जीवन में इस्तेमाल करें। नंबर 1, बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग्स। अमीर आदमी अपने पैसे का प्रॉपर बजट बनाते हैं और फिर उस पर अमल भी करते हैं। वे अपनी इनकम, खर्चे और निवेश पर हमेशा नजर रखते हैं, जो उन्हें ये समझने में मदद करता है कि उनके पैसे कहां कहां जा रहे हैं। इससे उन्हें फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। बस यही आदत आपको भी अपने लाइफ में कॉपी करना है। नंबर 2, सावी इन्वेस्टमेंट्स। इसे ठीक से समझिए। ये लोग अपने पैसे को समझदार तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क को कम करने के लिए उनका इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना होता है, ताकि लंबे समय तक स्टडी ग्रोथ हो सके। वो ये नहीं सोचते हैं कि हम तुरंत पैसे से पैसे कैसे बनाएं। वे किसी भी फील्ड में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं, ताकि उनका पैसा धीरे धीरे ग्रोथ कर सके, लॉसेस की संभावना कम हो। जैसे वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे उनके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद मिलती है। नंबर 3, कंटिन्यूअस लर्निंग। एक सफल लोग ये समझते हैं कि ज्ञान एक शक्तिशाली टूल है, यानी वे अपने जीवन में चाहे उसे कितनी भी सफलता क्यों ना मिले, वे अपने लर्निंग को जारी रखते हैं। इसलिए वे लोग फाइनेंशियल ट्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी रखते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग उन्हें चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ साथ अपने डिसीजंस को एडजस्ट करने में मदद करता है। आपको भी अपने जीवन में कंटिन्यूअस लर्निंग रखनी है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल लॉस से बच सके। इसलिए आपको लगातार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी रखना है, तभी आप अपने पैसे से पैसे बना पाएंगे। नंबर 4, लिविंग बिलो देयर मींस। ज्यादातर अमीर आदमी अपनी इनकम से कम खर्चा करते हैं। वे एक्सेसिव डेब्ट से बचते हैं और लग्जरी आइटम्स पर खर्चा करने के बजाय सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। बस यही आदत आपको भी अपने जीवन में लाना है। अपने जीवन में अपने इनकम से कम खर्चा करें और जो भी बचत हो उससे इन्वेस्टमेंट करना सीखे। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। कई अमीर आदमी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या फिर उनके पास एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होता है। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना और बिजनेस क्रिएट और ग्रो करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, जो उन्हें सब्सटेंशियल वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। नंबर 6, फिलैंथ्रोपी एंड गिविंग बैक। अमीर आदमी अक्सर फिलैंथ्रोपी और चैरिटी में इन्वॉल्व होते हैं। समाज की मदद करना, नीडी लोगों की हेल्प करना उनके लिए एक तरीका होता है कि वह सोसाइटी को वापस दे पाए। इसके अलावा ये उन्हें टैक्स बेनिफिट्स और पर्सनल फुलफिलमेंट्स भी प्रोवाइड करता है। नंबर 7, नेटवर्किंग और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने से अमीर लोग नई अपॉर्चुनिटीज, कोलैबोरेशंस और इन्वेस्टमेंट्स के दरवाजे खुलते हैं। एक चीज आपको याद रखना है कि धनवान होने में सिर्फ हैबिट्स से ही कुछ नहीं होता है, बल्कि ये भी मायने रखता है कि किसी व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेस, एजुकेशन और पर्सनल सर्कमस्टांसेस क्या है। अगर आपने ठान लिया है कि आपको भी अमीर बनना है, तो आप अपने मुश्किल समय में भी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ लेंगे। आपके पास जो भी रिसोर्सेस है वहीं से शुरू कीजिए, चाहे वह छोटे से ही क्यों ना हो। बस यही आदत आपको भी अपने लाइफ में कॉपी करना है। एक सही एजुकेशन से लेकर एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ आप इन तरीकों को अपने जीवन में अपनाकर अमीर बनने के कदम में आगे बढ़ सकते हैं। एक प्रॉपर माइंडसेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही इस्तेमाल और लाइफ में एक प्रॉपर हैबिट्स आपको जीवन में सक्सेस दिलाएगी, आपको जीवन में एक अबंडेंस दिलाएगी, और वो अबंडेंस सभी फील्ड में होगा, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं। बस एक सही विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। दोस्तों, वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सके। धन्यवाद।